हेलो फ्रेंड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसको हम दो पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे। क्योंकि जो प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, इसके अंदर जो मेथड्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोरकास्टिंग है, उसको मैंने डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। तो इस वजह से क्या है कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, जिसको हम मैन पावर प्लानिंग भी कहते हैं, इसको हमने दो पार्ट्स के अंदर जो है स्टडी किया है। ये जो पार्ट है ये फर्स्ट है, और इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे। और ये जो टॉपिक है डेट इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भी आता है और सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन के अंदर भी इम्पॉर्टेंट है। और इसी वजह से क्या है कि मैंने इसके जो मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग है डेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी मैंने साथ में कंसिडर किए हैं। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको कल तक जो है मेरे ब्लॉग पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, जिसको हम मैन पावर प्लानिंग भी कहते हैं, और ये जो टर्म्स हैं इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं। तो देखो, जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, इसकी हम डेफिनेशन से समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का अर्थ क्या होता है। देखो, डी सेंसो एंड रॉबिन्स के मुताबिक जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, डेट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर डेट हैज़ द राइट नंबर एंड काइंड ऑफ द पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, कैपेबल ऑफ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीटिंग दोज टास्क दैट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। देखो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है, प्रोसेस का अर्थ होता है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, नेचुरली जो भी उसको मतलब जो भी पर्सन राइट नंबर राइट काइंड ऑफ पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, और उनको राइट जॉब जो है असाइन की जाती है, ताकि वो जो भी काम दिया जाता है उसको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव हो सके। और जो मैन, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है डेट इज़ ऑल्सो नोन एज ए मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग जो है प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हम जिसको परफॉर्म करते हैं। और मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास राइट नंबर ऑफ लोग जो है होने चाहिए। राइट प्लेस का अर्थ है कि अगर प्रॉपर डिपार्टमेंट्स के अंदर अगर कोई प्रोडक्शन है, तो अगर कोई प्रोडक्शन के अंदर स्पेशलाइजेशन है, तो ये नहीं है कि उसको हम मार्केटिंग के अंदर काम दें और मार्केटिंग वाले को प्रोडक्शन के अंदर दे। तो यहाँ पे क्या है कि राइट नंबर ऑफ पीपल, जितने नंबर हमें, जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए लोगों की, जितने लोग चाहिए हमें, और उनको हम उसी के अकॉर्डिंगली जो है उनको जॉब प्रोवाइड करें एट द राइट टाइम, डूइंग द राइट थिंग्स। नेचुरली देखो, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है, राइट नंबर ऑफ पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम डूइंग द राइट थिंग्स फॉर विच देयर सूटेड फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि देखो, जो व्यक्ति प्रोडक्शन के अंदर स्पेशलाइजेशन है उसको हमने फिनांस के अंदर लगा दिया है, या जिस व्यक्ति की जिस टाइम पर ज़रूरत है हमने उस वक्त उसको नहीं रखा। तो नेचुरली यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है डेट इज़ ए प्रोसेस जिसके द्वारा मैनेजमेंट जो है ये इंश्योर करती है कि राइट नंबर ऑफ पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम डूइंग द राइट थिंग्स फॉर विच दे आर सूटेड, कि जिस काम के लिए वो सूटेबल हैं उसी के मुताबिक उनको काम दिया जाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो है बिना किसी रुकावट के जो है अचीव हो सके। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है डेट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। मैन पावर प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मनिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि हमें कितनी टोटल मैन पावर चाहिए। देखो, जो मैन पावर प्लानिंग है, बेसिकली इसका जो अर्थ होता है, इसका ये अर्थ होता है कि हमें कितनी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है काम करने वाले जो लोग हैं वो कितने चाहिए। और यहाँ पे नेचुरली हर लेवल पे, टॉप लेवल पे कितने चाहिए, मिडिल लेवल पे कितने चाहिए, लो लेवल पे कितने चाहिए। तो मैन पावर प्लानिंग जो है डेट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटर्मनिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि हमें कितनी टोटल मैन पावर चाहिए और किस तरह से हमने इस रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है उसको स्मूथली जो है कर सकें। और उसी तरह हम देखते हैं कि वट इज़ द नेचर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देखो, यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, एम्स एट असर्टेनिंग द मैन पावर नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बोथ इन नंबर एंड काइंड। देखो, यहाँ पे क्या है कि जो मैन पावर नीड्स हैं, ठीक है, इसको हमें टोटल मैन पावर कितनी चाहिए और किस क्वालिटी की चाहिए, कितने नंबर के अंदर चाहिए। और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जो ऑलरेडी हमारे पास काम कर रहे हैं उनकी हम
इन्वेंट्री को भी चेक करते हैं, प्रेजेंट एंड इन्वेंट्री ऑफ द एग्जिस्टिंग मैन पावर विच इज़ ऑलरेडी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, के जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं डिफरेंट लेवल्स पे, उनका हमारे पास ऑलरेडी कितने लोग काम कर रहे हैं, और नेचुरली यहाँ पे हम असेस करते हैं कि फ्यूचर के अंदर हमें टोटल मैन पावर कितनी चाहिए, प्रेजेंटली हमारे पास कितनी है, और नेचुरली नेट मैन पावर हमें कितनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम्स है वो देखते हैं कि हमें डिमांड और सप्लाई, कितने डिमांड है और कहाँ से हमें सप्लाई मिलेगी, और यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है दैट इज़ कंसर्न्ड विद द एक्विजिशन कि जो मैन पावर हमें चाहिए और उसके बेसिस, उनकी सुटेबिलिटी के बेसिस पे क्या होता है कि उनको काम एलोकेट किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और नेचुरली उनको रिटेन किया जाता है। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, देखो ऑप्टिमम यूज़ का अर्थ होता है कि नेचुरली जिस काम के लिए हमें मैन पावर चाहिए हमने वही काम उनको एलोकेट किया है, क्योंकि जो जिस चीज़ को वो मैच करते हैं उसी के मुताबिक जब हम काम देते हैं तो वो उसको सही ढंग से करता है। और नेचुरली कई बार क्या होता है कि देखो कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या होता है कि सप्लाई उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती जितने व्यक्ति रखे होते हैं, तो नेचुरली कुछ और कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या होता है अंडरस्टाफिंग होती है, तो जो इम्बैलेंसेस होते हैं जब हम मैन पावर रिक्वायरमेंट को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि कहाँ पे सरप्लस स्टाफ है और कहाँ पे शॉर्टेज है, तो कैसे हमने उनको इम्बैलेंसेस को दूर करना है। और उसी तरह क्या है कि हम फ्यूचर को भी असेस करते हैं कि आने वाले समय के अंदर ये टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, हमारा इस तरह का काम हो सकता है और उसके बेसिस पे हमें इस तरह के स्किल के पर्सन जो है रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे जो मैन पावर प्लानिंग है डैट इज़ कंसर्न विद द फोरकास्टिंग द फ्यूचर स्किल रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे हमें ये भी देखते हैं कि जब कंट्रोल मेयर कितने हमें चाहिए और कितने हमारे पास अवेलेबल है, और यहाँ पे जो कॉस्ट है उसको भी मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। और उसी तरह क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए इम्बैलेंस को दूर करने के लिए ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन पॉलिसी भी अडॉप्ट की जाती है, जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे सरप्लस है तो यहाँ पे डेफिशिएंसी है वहाँ पे भेज दो। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसी के बेसिस पे करंट मैन पावर इन्वेंट्री तैयार की जाती है, डिमांड फोरकास्टिंग, सप्लाई फोरकास्टिंग, एस्टिमेटिंग द नेट मैन पावर रिक्वायरमेंट, एक्शन प्लान, डिटर्मिनेशन ऑफ द जॉब रिक्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट प्लान्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, अप्रेजल ऑफ द मैन पावर प्लानिंग। तो सबसे पहले हम इसको वन बाय वन करके जो है डेप्थ के अंदर स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन पावर प्लानिंग, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों बेसिकली जो है जो मैन पावर प्लानिंग है उस क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या जो है हमारा लॉजिक क्या है। तो नेचुरली यहाँ पे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वहीं से क्या होता है कि मैन पावर प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव भी जो होते हैं वहीं से ड्राइव होते हैं, और मैन पावर प्लानिंग जो होता है कि नेचुरली फ्यूचर के अंदर हमें कितनी और मैन पावर की ज़रूरत पड़ सकती है और हमने वो मैन पावर जो है कहाँ से अवेल करनी है। और सेकेंडली क्या होता है कि देखो जो मैन पावर प्लानिंग है इसके जो ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, और जो भी मैन पावर प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके बेसिस पे हम असेस करते हैं कि हमारे पास करंट मैन पावर कितने लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि नेचुरली जो ऑब्जेक्टिव होता है कि ना तो हमारे पास कम स्टाफ होना चाहिए ना ही ज़्यादा स्टाफ होना चाहिए, तो यहाँ पे हम करते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज या फंक्शन वाइज या ऑक्यूपेशन वाइज या स्किल वाइज या क्वालिफिकेशन वाइज हर एक डिपार्टमेंट से क्या होता है कि जो मैन पावर है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है डाटा जो है मंगवाया जाता है, देखा जाता है, असेस किया जाता है कि इस लेवल पे हमारे पास इतने लोग जो है काम कर रहे हैं। और मैन पावर इन्वेंट्री के अंदर क्या होता है कि नेचुरली हम ये भी देखते हैं कि जैसे नेचुरली जो हम मैन पावर हमारे पास काम कर रही होती है उनकी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स, उनका एक्सपीरियंस की डिटेल्स भी आती है, उसके बेसिस पे हम असेसमेंट करते हैं कि फ्यूचर के अंदर हमें इस तरह की क्वालिफिकेशन या इस तरह की स्किल के बंदे जो है रिक्वायर्ड है और हमारे पास प्रेजेंटली जो है इस तरह की स्किल के बंदे जो है काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है डैट इज़ द डिमांड फोरकास्टिंग, देखो डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर क्या होता है कि हम प्रेडिक्शन करते हैं कि हमें इतनी मैन पावर जो है चाहिए होती है और जिसके अंदर काफ़ी सारे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। और जब हम फोरकास्टिंग
प्रडिक्शन करते हैं, तो इन चीज़ों को भी हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ट्रेंड रहा है कि जैसे हम लोगों को जॉब वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो 5 ईयर्स के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, क्या सिचुएशंस अराइज होती हैं, किस तरह के लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट दी है, कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो वो सारा ट्रेंड जो है हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। और सेकेंडली क्या होता है कि ये भी देखना ज़रूरी होता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं, कितने प्रतिशत लोग जो हैं रिज़ाइन करते हैं, या कोई अननेचुरल इवेंट होता है जैसे डेथ वगैरह हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें उसे रिप्लेस करना पड़ता है। तो नेचुरली ये सारी चीज़ें जो होती हैं पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे असेस की जाती है, और इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास प्रीवियस डाटा होता है उसके बेसिस पे हम फोरकास्टिंग करते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जब भी हम डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें भी हम असेस करते हैं कि एब्सेंटिज्म, क्योंकि एब्सेंटिज्म के अंदर क्या होता है कि जैसे व्यक्ति जो है काम पे नहीं आता, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि अगर जिस दिन वो काम पे नहीं आता तो नेचुरली उसका काम कौन करेगा। वाइल एस्टिमेटिंग द डिमांड फॉर द मैन पावर कि जो प्रिवेलिंग रेट ऑफ एब्सेंटिज्म कितना है उसको भी हम कंसिडर करते हैं, और यहाँ पे जो रेट ऑफ एब्सेंटिज्म है मैन डे लॉस्ट ड्यू टू एब्सेंटिज्म डिवाइडेड बाई मैन डे वर्क प्लस मैन डे लॉस्ट, इसके द्वारा क्या होता है कि हम रेट ऑफ एब्सेंटिज्म निकालते हैं, और कितना रेट ऑफ एब्सेंटिज्म है उसको भी हम जब डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं तो उसके अंदर कंसिडर करते हैं। और उसी तरह ही ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के अंदर एक्सपेंशन या ग्रोथ प्लान्स क्या हैं उन सारी चीज़ों को हम असेस करते हैं। और वर्क स्टडी के अंदर हम ये देखते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमें कितनी लेबर चाहिए, कितना टाइम लगता है, उसके बेसिस पे हम वर्क मेजरमेंट जो है स्टडी यूज़ करते हैं। हर एक जो प्लांट है उसके ऊपर वर्क लोड कितना है उसको हम असेस करते हैं, और उसके बेसिस पे क्या होता है कि हम वो वर्क फोर्स जो होता है उसकी एनालिसिस करते हैं, और जब वर्क फोर्स का एनालिसिस करते हैं तो लेबर टर्नओवर कई लोग छोड़ के चले जाते हैं, और उनके अंदर रेट ऑफ एब्सेंटिज्म क्या है उसके बेसिस पे हम वर्कफोर्स का एनालिसिस करते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है इसको हम दो पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे। क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग जो डिमांड फोरकास्टिंग है इसके दो टेक्निक्स हैं, क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है। तो सबसे पहले इस जो वीडियो है इसके अंदर हम क्वालिटेटिव के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे, बाकी जो टेक्निक्स रह जाएंगे, बाकी जो पार्ट प्रोसेस का रह जाएगा वो हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। तो फर्स्ट जो अप्रोच है डैट इज़ द मैनेजरियल जजमेंट। देखो ये ज़्यादातर जो है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा सुटेबल है आजकल, बट ये स्मॉल और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ करती हैं। और इसके अंदर दो अप्रोचेज होती है, एक टॉप डाउन होती है, एक बॉटम अप अप्रोच होती है। टॉप डाउन के अंदर क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिक्वायरमेंट की फोरकास्टिंग करती है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरियस डिपार्टमेंटल हेड्स को भेजी जाती है कि ताकि वो रिव्यू कर सकें, अप्रूव कर सकें। और बॉटम अप अप्रोच के अंदर क्या होता है कि जो लाइन मैनेजर्स होते हैं वो जो है अपनी रिक्वायरमेंट जो है टॉप मैनेजमेंट को भेजते हैं। बेसिकली क्या है कि जो अप्रोच अडॉप्ट होनी चाहिए जिसके अंदर क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड अप्रोच है डैट इज़ दी वर्क स्टडी टेक्निक। तो वर्क स्टडी टेक्निक के अंदर क्या होता है कि हम मैन पावर प्लानिंग जो एक्सपर्ट होता है वो देखता है कि सेल फोरकास्ट कितना है, कितनी सेल है, वर्क शेड्यूल्स क्या है, और उसके बेसिस पे क्या होता है कि मैन पावर रिक्वायरमेंट को असेस करता है। वो देखता है कि अगर हमने एक यूनिट प्रोडक्ट का बनाना है तो उसको जो है उसके लिए हमें कितनी मैन पावर चाहिए, उसके बेसिस पे जितने यूनिट्स बनाने हैं उसके बेसिस पे वो असेस करता है। और सेल फोरकास्ट जो होता है वर्क परफॉर्मेंस के अंदर ट्रांसलेट करता है। और उसी तरह वर्क फोर्स एनालिसिस भी जो होता है जब हम एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर को कंसिडर करके वर्क फोर्स का भी एनालिसिस किया जाता है। और उसी तरह जो थर्ड अप्रोच है डैट इज़ दी डेल्फी टेक्निक। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते, तो यहाँ पे क्या होता है कि उनकी एक कमेटी बनाई जाती है, उनको एक क्वेश्चनर भेजा जाता है, और जब उनसे क्वेश्चनर के जो आंसर्स होते हैं वो देखे जाते हैं और जो सेम होते हैं उनकी एक रिपोर्ट बना ली जाती है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि उनकी कंसेंसस नहीं होती। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्सपर्ट जो है सारे एक्सपर्ट से जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसके बेसिस पे समराइज रिपोर्ट बनाता है। और ये जो प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया कि रिवाइज क्वेश्चनर जो होता है अलग अलग एक्सपर्ट्स को भेजा जाता है, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक क्या होता है कि उनकी कंसेंसस नहीं आ जाती।
और उसी तरह नॉमिनल ग्रुप टेक्निक के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे मल्टीपल एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे लाइन मैनेजर है, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, तो ये फेस टू फेस जो होती है डिस्कशंस करते हैं और उसके बेसिस पे क्या होता है कि फोरकास्टिंग करते हैं। और उसी तरह देखो सिनेरियो एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको कहा जाता है कि आने वाले 5 सालों के अंदर सिचुएशंस को असेस करो, जिसके बेसिस पे देखो कि किस तरह की सिचुएशन होगी और किस तरह की मैन पावर रिक्वायरमेंट हमें चाहिए। तो यहाँ पे जो असेसमेंट होती है ये 3 तरह की होती है। एक होता है कि जब कुछ भी चेंज नहीं होता, नॉर्मल वैसा का वैसा है, दूसरा जो है ऑप्टिमिस्टिक है, और जो तीसरा जो है पेसिमिस्टिक है। तो नेचुरली यहाँ पे सिनेरियो एनालिसिस के बेसिस पे क्या होता है कि मल्टीपल एस्टिमेट्स आते हैं और जिनके बेसिस पे क्या होता है कि फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन की जाती है।